अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बनाने वाले हैं आलू चीज़ पराठा। ये देखिए, आटे को ऐसे बेल लिया है, पहले से अच्छे से बेल लेना है आटे को। थोड़ा सा आटे का आटा लेना है। अब इसके ऊपर आलू रखना है, ये देखिए एक साइड में रखना है ऐसे ही। अब इसे एक साइड में से कट करेंगे, ये देखिए इधर से। अब इसे इसके ऊपर रख देंगे आटे को, ये देखिए ऐसे कट करके। ये देखिए इसे थोड़ा प्रेस करेंगे हल्के से। अब इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, ये देखिए ऐसे। आपको अगर ज़्यादा चीज़ डालना है तो ज़्यादा चीज़ भी डाल सकते हैं। ये देखिए ऐसे घस लेना है इसको, चीज़ को, ये देखिए। अब इसको ऐसे पलट लेना है, ये देखिए ऐसे लेयर जैसी बन जाएगी जिससे इसके ऊपर। अब इसके पर थोड़ा हरा धनिया डालना है काट के, ये देखिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालना है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर। अब अगर आपको ज़्यादा तीखा रखना है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा नमक डालना है, एकदम थोड़ा सा। अब इसे भी ये देखिए इसके ऊपर कर देंगे, जिसे पूरा बंद कर देना है इसे, ये देखिए ऐसे ही। अब इसे सूखे आटे में ऐसे कर लेना है, ये देखिए लगा लेना है इसके ऊपर। इसे बेलना है अच्छे से, हल्के हाथों से बेलना है जिससे इसकी फीलिंग ना निकले। ये देखिए ऐसे ही बेलना है इसे हल्के हल्के हाथों से, ये देखिए ये बेल लिया है। अब इसको तवे पे रखना है और सेकना है स्लो पर। अब इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी घी डालनी है, ये देखिए घी से हम लोग सेक रहे हैं। आप तेल से भी सेक सकते हो, कोई से भी तेल से, लेकिन घी से ज़्यादा ये अच्छा बनता है। इसके लिए हम लोग घी से बना रहे हैं, ये देखिए। अब इसके दूसरे साइड पे भी थोड़ा तेल लगाना है और थोड़ा सेक लेना है इसको अच्छे से, ये देखिए ऐसे ही सेकना है धीरे धीरे। ये देखिए अब पलट लेना है इसको, ये देखिए अभी अभी से थोड़ी देर और सेकने देंगे, ये देखिए ऐसे ही। ये देखिए हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेना, सर्व कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, और ये कितना, ये बहुत टेस्टी बनता है और लेयर भी आई है, देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है इसकी। ज़रूर आप बना के एक बार ट्राई करें, ये बहुत अच्छा बनता है। ये देखिए लेयर आई है कितनी अच्छी इसके ऊपर। इसे आप ज़रूर बना के ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ये बहुत टेस्टी बनता है।